हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले वीक और इस वीक में भी दोस्तों स्टॉक काफ़ी डाउन गया था, लेकिन इसका मेन रीज़न है कि मार्केट में कुछ करेक्शन आया था। आपको काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने के बाद दोस्तों फिर से मार्केट अपनी पिछले वाले प्राइस पर देखने को मिल चुका है, मतलब अपने पिछले वाले प्राइस पर जाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया बुल्स से रियल इस्टेट शेयर के बारे में करना क्या चाहिए आपको? क्या अभी की प्राइस सही है बाय करने के लिए? नहीं, ये वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसमें बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो। टारगेट हम दोनों का अलग अलग लेके चलेंगे यहाँ पे। उससे पहले एक बात बोल दूँ आपको क्लियर, लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो। फिलहाल पिछले 5 डे में आपको 2.5 रुपये के आसपास का आपको उछाल देखने को मिला है। एक मंथ की बात करूँगा, 15% के आसपास आपको स्टॉक डाउन देखने को मिला है, 10% के आसपास का, जो कि 145 का हाई बना के दोस्तों स्टॉक डाउन गया है 118 रुपीज़ के आसपास का। मतलब आपको 20 रुपये के आसपास की आपको गिरावट देखने को शेयर में मिल रही है। जो गिरावट हुई ना, जो लॉस हुआ है ना पिछले एक मंथ में, वो लॉस से शेयर रिकवर करवा सकता है एक मंथ के अंदर, जो कि हो सकता है कि आपको अभी बाय करने का मौका मिलता है। यहाँ पर जो लोग बाय करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल आप इसमें बाय कर सकते हो, लेकिन एक बार रिसर्च कर लें, अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेके बाय से होल्ड करें। फिलहाल आज आपको 1 से 1.5 रुपये के आसपास का आपको उछाल देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक उछाल आपको देखने को मिला है। आज अगर मैं आज की हाई की बात करता हूँ तो 122 रुपीज़ के आसपास का हाई इस शेयर का आज का है, जो कि हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक 125 तक का टारगेट भी आपको शेयर दे सकता है।